ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज मैं आप सबको एक ऐसी फैक्ट्री पर लेकर आया हूँ जिसकी मंथली कमाई है साथियों लगभग 1,20,000 की। मेरे साथ बिजनेस की जानकारी देने के लिए स्नेहा जी, जो कि पिछले 2 सालों से अपनी फैक्ट्री चला रही है। यह है मैंने दूसरी मशीन बिठाई, ये प्लास्टिक का दाना है जो हम इसमें व्हाइट दाने में मिक्स करके लगाएंगे रॉ मटेरियल। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, और मैं आपको सैंपल के तौर पर ऑरेंज कलर करके बताती हूँ। ये ऑरेंज कलर है और ये व्हाइट पाउडर है और इसमें हम केमिकल डालेंगे। यह केमिकल है, दो तरह के केमिकल हैं ये, और मैं आपको थोड़े से फार्मूले के तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि अब इसके अंदर हम केमिकल डालेंगे दोनों तरह के। ये मिक्सर मशीन है जहाँ हम इनको मिक्स करेंगे केमिकल को और कलर्स और पाउडर को। इसको कम से कम 1 घंटे तक मिक्स करते हैं और उसके बाद इसका कलर ऐसा हो जाता है। ये पाउडर, ऑरेंज कलर और केमिकल को अब यहाँ पे मिक्स करेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने 2 कलर लिए हैं। ये रेड कलर का हम प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें चम्मच में 15 ग्राम आता है और ये डाई में डाल दिया जाता है। और ये प्रोडक्ट हम इसमें लगा के फिर तैयार करते हैं। इस डाई को हम अब इस क्लिप में लगाएंगे। इस डाई को अब हम पीवीसी बॉल मेकिंग मशीन में फिट करेंगे और ये हीट होता रहेगा। और अब ये अभी हमारा ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया, इसको अब हम पानी में डालेंगे। तब तक दूसरी डाई हम वापस से लगाएंगे मशीन में। मैंने दूसरी मशीन बिठाई है, ये ब्लो मोल्ड मशीन है और बच्चों के खिलौने का निर्माण किया जाता है। बैट और बॉल बनाई जाती है जिसे बच्चे मार्केट में बहुत पसंद करते हैं।
ये प्लास्टिक का दाना है जो हम इसमें वाइट दाने में मिक्स करके लगाएंगे रॉ मटेरियल और मशीन के अंदर डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बेड की डाई लगी हुई है, ये कंप्रेसर से इसमें के अंदर हवा आएगी और ट्यूब निकलेगी, ट्यूब निकल रही है। कितने साल हो गए इस बिज़नेस को शुरू किए? मैंने इससे पहले भी और भी बिज़नेस शुरू किए थे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली। फिर मेरे माइंड में आया कि बच्चों में खिलौने बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो फिर मैंने ये बिज़नेस किया। मेरे घर वालों ने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी विरोध किया इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा शक्ति थी कि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर ज़रूर बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। क्या कारण है कि उन्होंने विरोध किया आपके इस बिज़नेस का? क्योंकि जो पहले बिज़नेस किए थे उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली थी और इसलिए घर वाले मेरे खिलाफ़ थे। काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा मुझे उसके लिए, लेकिन अब बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आप ये बिज़नेस कर रही है, अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, तो बेचने का वो कौन सा फंडा है? जैसे नया कोई भी बिज़नेस शुरू करता है तो माल बेचने में दिक्कत आती है, जैसे कि अमेजन है, इंडिया मार्ट है, वहाँ से भी मुझे ऑर्डर आते हैं और कुछ होलसेल्स हैं जहाँ पे मैं प्रोडक्ट सप्लाई करती हूँ अपना। यानी साथियों, अगर आप भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट है या अमेज़ॉन है, यहाँ पर लिस्टिंग करना चाहिए। वहाँ से आपको ऑर्डर आता रहेगा, जैसे होलसेलर से अपने डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आपको संपर्क करना चाहिए, वहाँ पर ये माल बहुत ज़्यादा सेल होता है। अब बात करते हैं मैडम कमाई की, इस बिज़नेस से आपको कितनी कमाई होती है? PVC बॉल मेरा मिनिमम 10 से 12 केजी निकलता है और बैट का 20 से 25 केजी। मजदूर और लाइट वगैरह का सारा खर्चा निकाल के लगभग मिनिमम 4000 के आसपास मेरे पर डे बचता है मेरे को। यानी साथियों, मैडम इस बिज़नेस से लगभग मंथली 1,20,000 रुपये की कमाई कर रही है। महिला होकर भी अच्छा खासा बिज़नेस चला रही है, काबिल तारीफ़ है। अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो मैडम ने जहाँ से सेटअप लगवाया था उसी कंपनी का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल कीजिए, इस बिज़नेस के संबंधी अधिक जानकारी लीजिए। अगर आप मैडम की फैक्ट्री पर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।